गंगा जी तेरे खेत मेरी माई गडेरी हिंडोले चार कन्हैया झोल ते सिरी है रुकमण झोले रही या जो ते सगे मैं रुख मैं जो ले रही क्या बात उसका तो मारा हो गया शिवजी जी के कर्मांडल में विष्णु जी तो लग्या पैर पवन पवित्र अमृत बनके पर्वत ऊपर गई ठहर भागीरथ ने तप कर रख्या खोद के लाया था नहर भागीरथ ने तप कर रख्या खोद के लाया था नहर फिर 60,000 सगर के बेटे जो मुक्ति का पागे धाम अयोध्या के धोरे आके गंगा जी धराया नाम फिर ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम हे ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह और शाम फिर सब दुनिया तेरे हे ये तुम्हारी कसी हो रही जय जयकार कन्हैया झोल दे सिरे रुक मर झोल रही सदनों थोड़ा शुरुआती दौर है और नौजवानों से प्रार्थना है कि उतावले ना हो बिल्कुल कतई तोड़ करके जाएंगे लेकिन सभी तरह के श्रोता यहां पर हैं सभी की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरी बात के द्वारा और एक कहावत भी है रविदास जी हुए हैं एक पंडित जी कहने लगे रविदास जी चलो गंगा जी नहाने चलते हैं कहने लगे भाई मैं तो 10 रुपए कमाऊं अरे वही खा लूं वही कुंडे में लग जाए है और ऐसा करना तो 100 रुपए का प्रसाद गंगा मैया के हाथ में दे देना। पंडित जी वहां पहुंचे सारा अपना पूजा पाठ किया उसके बाद जो रविदास का रुपया था वो क्या गंगा मैया 100 रुपया ले ले। गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाल दिया 100 रुपया ले लिया और एक दूसरे हाथ से एक बड़ा हीरे जड़ित कंगन निकाल दिया उसको लेकर पंडित जी को थोड़ा लालच आ गया कहा कि लालच भी बुरी बला है। वापिस आए तो जब घर आए तो पंडिताइन को कंगन दिखाओ कहने लगे हम क्या करेंगे इसे राजा को दे दे। वो कंगन राजा के पास पहुंच गया राजा बड़ा राजी हुआ कि भाई रानी को दूंगा आज बड़ा खुश होगी। अब जब वहां कंगन लेके पहुंचा तो एक कंगन लेकर रानी कह लगी दूसरा कहाँ है। अब दूसरा कंगन कह लगी कह तो दूसरा मंगा दो और नहीं तो फिर मेरा मामला गड़बड़ है। वापिस पंडित जी को बुलाया भाई दूसरा कंगन ले आ। पंडित जी उसको लेकर घर आए
पंडितानी कह लगे बड़ा बुरा हो गया, गलत हो गया काम। कह लगे कोई बात नहीं, संत के पास पहुंच जाओ, वही इलाज बताओगा। रविदास जी के पास आए, कहने लगे 100 रुपया दे दो। संत साहब मेरे से गलती होगी, कंगन मुझे आपको देना था और मैं गंगा मैया से ओढ़ ले आऊंगा, मेरे परिवार बच जाएगा। रविदास जी कहने लगे भाई ये कठौती है जिसमें मैं चमड़ा भिगोता हूं, इसमें से निकाल ले। हाथ दिया उसमें से निकाल दिया, उसी दिन से कहावत पड़ेगी मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए दूसरी बात के माध्यम से और 10-10 रुपए से जो गंगा मैया में डुबकी लगाइए इस भजन के माध्यम से, साथियों का धन्यवाद करते हैं। कैसे होता है भला पशु पैदा किए ऋषियों का उतारा श्राप, शांतनु के ब्याही गई वसुओं का बनाया बाप, झील गंगे छोड़ के ने स्वर्ग में गई थी आप, झील गंगे छोड़ के ने स्वर्ग में गई थी आप। फिर तीन चरण पछेरे गे एक चरण धर के आई, 900 मील इस पृथ्वी पे अमृत रस बन के छाई, और गरिजू अथर शोम वेदों ने बढ़ाई गई, और गरिजू अथर वेदों ने बनाई गई। हेरे शंकर चले थे जने तुम्हें कसी पर सीमो सरदार कन्हई या झोल दे संगे रुक मर दो ले रही लक्ष्मण झूला फुटी नहर हरिद्वार ऋषि के से कणखल में अमृत की लहर, बड़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद गया जी पवित्र शहर, हे बड़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद गया जी पवित्र शहर। कलकत्ते ते सीधी होली हावड़ा दिखाई शान, समंदर में जाके मिल गई सागर का घटाया मान, फिर सूर्य जी ने अमृत पी के अम्बोजल का करा बखान, सूर्य जी ने अमृत पी के अम्बोजल का करा बखान। वो फिर तो गई थी समेत में जड़े लड़े अर्जुन कृष्ण ने मुरार कन्हई या झोल दे संगे रुक मर जो ले रही। चंदे भी तेरे अंदर आने के मिले थे आप, मान सिंह भी तेरे अंदर छाने के मिले थे आप, मान सिंह भी तेरे अंदर छाने के मिले थे आप। फिर वो ही मुक्ति पा गया गंगे तेरे अंदर नहाने आना, पाणची में रहने लाग गया मामूली सगाने आरा, श्री मांगे राम एक दिन गंगे तेरे अंदर आने आरा, मांगे राम एक दिन गंगे तेरे अंदर
मिलेगा तेरे रेत मेरी किते तो होवेगा संसार कन्हई या झोल के सगे मन झूले रही देखे तो मेरी माई गड़े रे जोड़े चार कन्हैया झूल दे सके रुके मन झूल रही